हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब हम सुबह के नाश्ते की तैयारी ब्रेकफास्ट बनाएंगे, क्योंकि आज मॉर्निंग में हम लोग थोड़ा देर से उठे और छुट्टी में ऐसा हो ही जाता है। सेकेंड सैटरडे संडे छुट्टी रहती है हस्बैंड की, क्योंकि 5 डे भी ऑफिस हो गया है, तो हम आराम से ही उठते हैं और काम भी थोड़ा लेट होता ही चला जाता है। तो हम अब नाश्ते में, मैंने आज ज़्यादा कुछ, छुट्टी थी तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ पराठा ही पसंद है, चाहे आलू प्याज किसी चीज़ का भी हो, बाकी और कोई नाश्ते पसंद नहीं करते हैं। तो रात की सब्ज़ी रखी हुई थी मेरी तुरई, और मैंने बनाई थी भिंडी रात, तो मैं उनको भिंडी वैसे भी बहुत पसंद है, तो मैं भिंडी से पराठा सेकूँगी इन लोगों के लिए, और मैं भी नाश्ता कर लूँगी इन लोगों के साथ। तो ये देखिए, मैं जो पराठा है, मैं हमेशा देसी घी में ही सेकती हूँ, क्योंकि रिफाइंड में बहुत कम यूज करती हूँ मैं रिफाइंड का। और वैसे भी पराठा नाश्ते में सबसे बेस्ट रहता है, उससे थोड़ा पेट भी ऐसा भर जाता है, और दोपहर में थोड़ा भूख भी देर से लगती है, और फिर ज़्यादातर ऐसा ही होता है इस समय छुट्टी में, दोपहर का लंच गायब भी हो जाता है, मन नहीं होता खाने का। और अब मैं, चाय बन चुकी है, आज मैंने चाय की फरमाइश थी, क्योंकि चाय तो पीते नहीं है हम लोग, तो ये बोले थोड़ा गला वैसा हो रहा था, तो चाय बनाई मैंने, अदरक वगैरह कुछ डाल के, काली मिर्च, लौंग, इलायची, और मैं थोड़ा सा इसमें नमक ज़रूर डाल देती हूँ, जिससे गला थोड़ा सा, चाय में बहुत अच्छा टेस्ट भी लगता है पीने में, और थोड़ा गला साफ हो जाता है बढ़िया से। तो मैं ये पराठा सबसे पहले मेहुल को दूंगी, क्योंकि मेहुल इंतज़ार में बैठे हुए हैं, उन्हें भिंडी पराठा बहुत पसंद है, मेहुल को एक चीज़ अगर पसंद आती है तो उसका बहुत जल्दी जल्दी रिपीट बनता रहता है वो चीज़, जब तक उनका मन नहीं भर जाता उस चीज़ से, तो भिंडी उन्हें बहुत पसंद है। आज राजमा का भी फरमाइश थी, तो शाम को देखो डिनर में मैं राजमा बनाऊंगी, क्योंकि उन्हें राजमा भी बहुत पसंद है, दो दो तीन तीन टाइम रख कर आराम से खाते हैं वो राजमा। और चावल काफ़ी कम पसंद करता है मेहुल, क्योंकि उसको रोटी ही ज़्यादा पसंद है, तो रोटी ही खाता है, राजमा रोटी। बाकी फ्रेंड्स, काम पूरा दिन इतना रहता है कि एक्स्ट्रा कोई काम भी नहीं निकाल पाते हैं, यही सारे काम निपटते जाते हैं। तो अब मैं मेहुल को दे चुकी हूँ, अब मैं हस्बैंड को देने जा रही हूँ। चाय बहुत कम पीते हैं आप, देखिए ये चाय जो मैंने थोड़ी दी है, इसमें से भी आधी से ज़्यादा ये छोड़ देते हैं, चाय पीते बनवा लेते हैं लेकिन पीते बहुत कम है, कप में ऐसे ही चाय छोड़ देते हैं, ज़्यादा पीते नहीं है। मेरी भी आदत नहीं है, मैं भी चाय बहुत जब पीती हूँ, जब उसके साथ कोई कचौड़ी वगैरह, मुझे बहुत पसंद है चाय से कचौड़ी खाना। तो ये देखिए तुरई और भिंडी, अब ये हस्बैंड को देने जा रही हूँ, मैं उनको दे चुकी नाश्ता, अब अपना भी एक पराठा सेक लूँगी, और इन लोगों के साथ बैठ कर के नाश्ता हो जाएगा, और फिर उसके बाद देखिए दोपहर में, क्योंकि हल्का ही कुछ बनेगा, खिचड़ी वगैरह बनाऊँगी। तो ये वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस समय 11:15 कभी बज गया नाश्ते के लिए, पता नहीं जब से बच्चे के स्कूल बंद हुए हैं तो रूटीन इतना गंदा हो गया है कि उठने का सुबह मॉर्निंग में मन ही नहीं होता कि जल्दी उठ जाएं, सारा काम डिले होता ही चला जाता है फिर धीरे धीरे। तो मैं ये देखिए दोपहर लंच की तैयारी कर रही हूँ, खिचड़ी, काली दाल, उड़द की जो काली दाल होती है, काली दाल की खिचड़ी बहुत पसंद है इन लोगों को, और अरहर की दाल की बहुत पसंद है, बनाई थोड़ी ही बनाएंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही खाना है। ये मैंने इसमें पहले जीरा डाला था और प्याज, क्योंकि छुपी हुई खिचड़ी हमारे यहाँ पर ससुराल में इस तरीके छोंक करके बनाते हैं, लेकिन मेरे मायके में सादा बनती थी, ऐसे ही बिगड़ चुकी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन यहाँ पर छोंक कर ही बनाते हैं पहले। और ये शाम की तैयारी देखिए, समोसे की तैयारी में कर रखी है, आलू और मटर उबाल के रखे हुए हैं 5 बजे करीब। ये मैंने मैदा भी मर दिए इसमें, देखिए ये 2 कटोरी मैदा ली थी, उसमें मैंने मोइन इस तरीके से डाला था कि अच्छे से मैदा की मुट्ठी बन जाए, बिखरे नहीं, और मैदा मैंने लगा कर रखी हुई है। ये राजमा डिनर में बनाऊंगी रात में, राजमा चावल बहुत पसंद है राजमा इन लोगों को, तो इस समय नॉनवेज वगैरह तो बन नहीं रहा है 1 महीने से, क्योंकि सावन वगैरह चल रहे हैं, तो कल मेहुल कहने भी लगे पापा
मन हो रहा है तो हमने की और बेटा दो तीन दिन की बात है क्योंकि नॉन वेज का बहुत शौक है मेरे हस्बैंड को भी और बेटा भी ये पसंद करने लगा है। पहले तो कम खाता था नॉन वेज वगैरह लेकिन अब उसको बहुत पसंद आने लगा है। तो कल तो रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन तक तो खाते नहीं है, फिर अगले दिन मंगल पड़ रहा है, ट्यूसडे को भी हम लोग नॉन वेज नहीं खाते। तो आ जाइए मेरी ये देखिए काली दाली खिचड़ी रेडी है, आप लोग भी खा लीजिए आ जाइए ये देखिए। और मैं देसी घी में मैंने लाल मिर्च भूनती हूँ तो वो बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, इस देसी घी डाल के और लाल मिर्च मुझे बहुत पसंद है तो लाल मिर्च ज़रूर भूनती हूँ। और मैंने चटनी और खीरा और प्याज पीस कर रखा था और हरे धनिया की चटनी में आप लहसुन ज़रूर डालिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है लहसुन का। मैं हरे धनिया की चटनी में लहसुन अदरक जरूर पीसती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और थोड़ा सा जीरा, बहुत ही अच्छी चटनी बनती है हरे धनिया की। पुदीने की भी अच्छी बनती है लेकिन पुदीने की हम लोगों को कम पसंद है चटनी। अब ये तीनों हम लोग प्लेट तैयार है और बस खाने की तैयारी। ये खाना खाने के बाद आधा घंटा भी हम लोग लेट नहीं पाए, तब तक सुबह मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड फ़ोन कर दिया था कटिंग वाले के लिए, तो मेहुल की कटिंग करानी थी और इनके भी बाल बड़े हो रखे थे तो दोनों लोगों ने कटिंग कराई थी और शेप वगैरह इन्होंने अपनी सेट कराई तो वो आ गया, तो उसमें एक डेढ़ घंटा उसमें ही लग गया। ये देखिए मेहुल ने अपनी डिजाइन बनाई है साइड से, कट लगवाया है जिग जैग जैसा। अब ये भी अपनी बाल और कटिंग दिखा रहे थोड़ी शेप वगैरह कराएंगे, उसके बाद ये जो सारा धंधा देगी, ये जो मैंने ओढ़े बैठे हुए ये आप जो मैंने इन लोगों को कवर करा हुआ है, ये मेरी लॉन्ग स्कर्ट है ओपन वाली जो होती है खुली उस टाइप की, तो ये लगा रखा था इन लोगों को, सारा सैनिटाइज वगैरह कराया जब वो आए थे तो, और सारा बाल वगैरह हो गया उसमें मुझे आधा घंटा सफाई में लग गया एक्स्ट्रा। और अब मैं ये देखिए समोसे की तैयारी, इस तरीके से समोसे तैयार हो रहे हैं और बहुत दिनों से काफ़ी दिनों से मन था समोसों का तो मैंने कहा चलो आज समोसे ही ट्राई करते हैं घर पर, काफ़ी अच्छे बने थे समोसे मेरे। और इस समय मार्केट की हम लोग कुछ भी चीज़ नहीं खा रहे हैं, यहाँ तक कि मिठाई भी अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि अब देखिए हम रक्षाबंधन में भाई के घर जाना है, मिठाई लेके कैसे क्या करना है क्योंकि मिठाई वगैरह इस समय बाहर का कुछ खाने का मेरा तो दिल होता नहीं है ना ही, क्योंकि बाहर की चीज़ खाने से तो अच्छा है घर पर ही जैसी भी बन रही है वैसी ही ट्राई करके हम लोग खाएँ। देखिए कितना बढ़िया हमारा समोसा तैयार हुआ है। और ये शाम का प्याज अदरक लहसुन ये सब मैं प्याज वगैरह उसमें पीसूंगी, राजमे की तैयारी भी, इधर राजमा भी मेरा उबलने लगा है, थोड़ा सा सोडा डाल करके ये राजमा की भी तैयारी हो चुकी है। और इधर देखिए समोसे भी सिक रहे हैं, तो पूरा दिन का ही रूटीन ऐसा हो जाता है, बस लेट पाओ तो लेट पाओ वरना पूरा दिन काम ही रहता है क्योंकि कोई काम वाली इस समय लगी हुई नहीं है, सब छुड़ा रखी है इस समय, तो वो भी बर्तन भी जरा जरा सी देर में बहुत हो जाते हैं, गिलास और प्लेट दो मिनट में सिंक भर जाता है कि चलो अब लंच में या डिनर में सारे बर्तन धोकर ही। अब मैं ये देखिए सब समोसे सेक करके लेके ऊपर आ गई हूँ अपने थर्ड फ्लोर पे, और ये मेरे ऊपर जो घर में मेरे किराए पर बच्चे रहते हैं पढ़ने वाले, कोई सीए कर रहा है कोई कुछ, इन लोगों ने भी कुछ नहीं खाया है, बोले भाभी समोसे, मैंने कि चलो आज समोसे बनाते हैं तो सब लोग समोसे ही चक्कर ही में ले आई थी, हमें बोले पतंग उड़ा रहे हैं, ये सब समोसे खा रहे हैं, एंजॉय हो रहा है बस थोड़ा सा बोलो बहुत अच्छे हैं भाभी, नहीं उनको थोड़ा डॉक्टर ने बताया तुम मत बोलना बहुत अच्छे हैं भाभी, एक्सरसाइज वगैरह कराइए बोलो मैं शाम को 6 बजे छत पे ले जाकर थोड़ा क्रिकेट वगैरह इन लोगों के साथ खेल लेता है और एक्सरसाइज वगैरह, क्योंकि इस समय फिजिकल बिल्कुल खत्म सी हो गई है तो बीमार का रहने लगा है। अब हम नीचे उतर आए तो देखिए फिर खाने की ही तैयारी, डिनर की तैयारी, ये राजमा इसमें पहले मैंने थोड़ा सा अजवाइन वो डाला था और उसके बाद मैंने थोड़ी सी हींग डाल के
और प्याज अदरक लहसुन सब पीसा हुआ था। उसमें देखिए हल्दी धनिया मिर्च गरम मसाला जो मसाले सेम पड़ते हैं, और थोड़ा सा कसूरी मेथी डाली थी, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कसूरी मेथी का तड़का लगा दिया इससे, दे देखिए थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल के बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। राजमा कोई भी राजमा मसाला वगैरह नहीं डालती, फिर भी बहुत टेस्टी राजमा बनता है। इसमें पहले ही मैंने अदरक लहसुन वगैरह का पेस्ट प्याज वगैरह पीस लिया था, और बाकी सब मसाले वही जाएंगे। ये गरम मसाला है जो मैं घर पर ही तैयार करती हूँ पीस करके, क्योंकि बाजार का मार्केट का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, उसमें कोई खुशबू ही नहीं होती, इसलिए मैं घर का ही मसाला गरम मसाला यूज करती हूँ। बहुत अच्छा कलर आ जाता है, और बिना गरम मसाले के तो हमारे यहाँ कोई भी सब्जी नहीं बनती, चाहे वो कढ़ाई में हो सूखी सब्जी। तो देखिए डिनर की तैयारी, अब मैं रोटी सेकने जा रही हूँ, और ये सबसे पहले